ये देखिए, दादरी थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और इन वाहन चोरों के पास से इन्होंने लगभग तकरीबन 15 मोटरसाइकिलें जो चोरी की बताई जा रही है उनको भी बरामद किया गया है। बाकी इस संबंध में एक मोटरसाइकिल की चोरी का मुकदमा ऑलरेडी दादरी थाने पर पंजीकृत था, उस मोटरसाइकिल को भी इनसे बरामद कर लिया गया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, कैसे चोरी करते थे? देखिए, चोरी का तरीका इन्होंने जैसा बताया, इनके पास कुछ मास्टर कीस टाइप की थी जो पुरानी मोटरसाइकिलें हो जाती हैं उससे वो आसानी से खुल जाता है, तो उसको लगा के थोड़ा टेक्निकली ये लोग उसको चुरा लेते थे। सप्लाई कहाँ करते थे? अभी उसकी तफ्तीश चल रही है, इस क्रम को हम आगे और जोड़ेंगे कि मिडिल मैन कौन था, ये कहाँ पे बेचते थे, अभी इसकी तफ्तीश। ऑन डिमांड तो चोरी नहीं करते थे? अभी पूछताछ में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? अभी तक का इनका आपराधिक इतिहास जो हमें ढूंढा जा रहा है थानों के उसमें दर्ज नहीं है। हालांकि ये बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से चोरी कर रहे हैं, पहली बार पकड़े गए। सर, ये बाइक चोरी करते थे या कुछ और भी चोरी करते थे? अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ बाइक चोरी का ही बात सामने। क्षेत्र क्या था इनका सर? ये दादरी थाना क्षेत्र के आसपास करते थे, जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी कर रखा है। कुछ मोटरसाइकिल ये बता रहे हैं गाजियाबाद से चुराई हैं, उनको भी अभी हम थानों से सूचना करके उसका मिलान कराएंगे। अंतर्राज्यीय गिरोह कहा जा सकता है? अंतर्राज्यीय की बात तो अभी सामने नहीं आई है। हाँ, अंतरजनपदीय गिरोह जरूर है, कई जनपदों में इन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं। बाकी जो है, लगभग अभी इस मामले में 15 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है।